नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक CBSE के लिए न्यूज़ निकल कर आ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आपको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए, CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के विकल्पों का रखा प्रस्ताव। राज्य बोर्ड अपना निर्णय लेने की अनुमति, यानी कि जो राज्य बोर्ड है वो अपनी अनुमति ले सकते हैं। फिर देखिए, वर्चुअल डिजिटल कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राज्यों और शिक्षा मंत्रियों ने 12वीं की परीक्षा के आयोजन पर अपनी राय रखी। ये मीटिंग किसी आम सहमति के समाप्त हुई। 12वीं के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर हुई डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के दो प्रस्ताव रखे। वही CBSE ने 12वीं की परीक्षाओं के लिए दो विकल्पों का प्रस्ताव रखा, जिसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य बोर्ड अपना निर्णय लेने की अनुमति स्वयं है। ये अपडेट है 23 मई 2021 का, जो मीटिंग हुई थी अभी अभी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, नई दिल्ली, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दिया गया है और ऐसे में छात्र इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा का आयोजन होगा या नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्रियों के बीच 12वीं की परीक्षा को लेकर हुई मीटिंग समाप्त। इस वर्चुअल डिजिटल कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने 12वीं की परीक्षा के आयोजन पर अपनी राय रखी। बता दें कि मीटिंग किसी आम सहमति के समाप्त भी ठीक है। तो 12वीं की एंट्रेंस परीक्षा को लेकर हुई पूरी डिजिटल कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने दो प्रस्ताव रखे हैं कि CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए दो ऑप्शन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें CBSE ने कहा है कि राज्य बोर्ड अपना निर्णय लेने की अनुमति स्वयं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहला ऑप्शन दिया कि वह केवल मुख्य विषयों के लिए ही 12वीं के बोर्ड एग्जाम आयोजित करवाएं, और 12वीं के 176 विषय हैं जिसमें परीक्षा का आयोजन कराता है, जिसमें लगभग 20 विषय ऐसे हैं जो CBSE की ओर से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय है। यानी कि इन विषयों की जो परीक्षाएं होगी वो निश्चित तौर पर होगी। दूसरे ऑप्शन के तहत, जिसमें केवल 45 दिन लगेंगे, CBSE ने कहा कि कक्षा 12वीं के छात्र महत्वपूर्ण विषय की परीक्षा अपने स्कूलों में बैठे, यानी कि सेल्फ सेंटर में दे सकेंगे। डिजिटल कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले वैक्सीन सुरक्षा, फिर 12वीं की परीक्षा। CBSE ने कहा कि 12वीं की परीक्षाएं छात्रों को स्कूलों में आयोजित कराई जाएगी और 3 घंटे के बजाय परीक्षा 1.5 घंटे में ही समाप्त हो जाएगी और कॉपियाँ स्कूल में ही चेक कर दी जाएंगी। अगर ये दूसरे ऑप्शन के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाए तो प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट टर्म प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। वैकल्पिक विषयों में प्रदर्शन के आधार पर 5वें और 6वें विषयों के अंक तय किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, आधार पर 5वें और 6वें विषयों के अंक तय किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार CBSE 12वीं बोर्ड का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा का आयोजन फॉर्मेट में कब कैसे होंगे जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 जून को देंगे। वहीं 1 जून को 12वीं और CBSE की परीक्षाओं का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों की हाल में संपन्न हुई मीटिंग दिल्ली सरकार ने कहा कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। मीटिंग में कहा गया कि राज्य बोर्ड अपने हिसाब से फैसला कर सकें, लेकिन CBSE, नीट और JEE की परीक्षाएँ होगी, ठीक है। और जितनी भी हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट कर सकें तथा